तो यहां पर अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने दो रास्ते देखे हैं, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं, और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अभी क्या है इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर स्विमिंग पूल के साइड में तीन लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। वो क्या है, इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले तो क्या है, सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है, फेलियर है। सो सिंपल। तो ये तीन लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए। और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं, मैंने कई बार ट्राई किया मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा, चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहां जा रहा है, गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी जड़ क्या है, कि स्विमिंग करना मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया, मुश्किल की हजार वजह उसके सामने आ गई और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसने देखा वहां पर लोगों को स्विमिंग करते हुए और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है इसमें क्या बड़ी बात है, गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उसे दो तीन बॉल मिस हो गई और सामने से आपका एक गुल्लू मुल्लू से दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा, होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है, गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है हम सीधा जाकर के गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक तरफ तो हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया उसको किसी ने बचा भी लिया तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए, वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं, फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा था उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी,
कैसे शुरुआत करी थी, उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहाँ कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहाँ से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना, और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है जो भी उसको बात समझ आई, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहाँ पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, तो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग, अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? नहीं लगता। यस एंड नो? जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में, तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर, कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। स्विमिंग किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया है। वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसने जाकर के छलांग लगा दी। कोई छलांग लगाता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए? नहीं। तो स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती है, हर तरह की स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती है, रियल लाइफ सिचुएशन में आकर के हम इन सब बातों को भूल जाते हैं और जाने अनजाने ऐसे ट्रैक पर निकल जाते हैं जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते। और जब तक देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूब चुके होते हैं या फिर खेल खत्म हो चुका होता है।